Hello everyone. Good morning. Welcome back to my online class, students. Today we are going to start our next chapter, creation of the Mughal Empire in history. Before that, we have already read about, we have already discussed Delhi Sultanate. So this is the next chapter for you. In this chapter we will read about mughal empire foundation of mughal empire before starting the chapter now we read this line many men like us have taken breath at this spring

पढ़ा और आपने सुना ये लाइंस बाबर नामा नाम की एक बुक से ली ली गई है जिसको खुद बाबर ने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा था उसने लिखा था कि हम सभी इस दुनिया में बहुत सारे सपने लेकर आते हैं और एक दिन चले भी जाते हैं हम लोग जब इस दुनिया में आते हैं तो हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं और बहुत कुछ करते भी हैं लेकिन हमारे साथ कुछ भी हमारी कब्र तक नहीं जाता तो आप इसी सेंटेंस से अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबर कितना एम्बिशियस था वो कितना महत्वाकांक्षी था मुगल एम्पायर मुगल एम्पायर जिसको कि हिंदी में मुगल सल्तनत कहते हैं मुगल साम्राज्य कहते हैं तो मुग़ल साम्राज्य की नींव भारत में पहली बार बाबर ने ही रखी थी वेन बाबर लॉस्ट द किंगडम ऑफ फर्गना टू वेरिंग ट्राइब्स ही लुक towards द इंडिया टू conquer न्यू lands. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वॉन्ट टू गिव अ सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट बाबर बाबर का जन्म फरवरी 1483 में हुआ था इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा जो कि फरगना नाम के एक छोटे से राज्य के शासक थे बाबर फरगना की गद्दी पे 8 जून 1494 में बैठता है उस समय बाबर की एज मात्र 11 ईयर्स रहती है तो इन इनका हमेशा क्योंकि एक एज में भी काफ़ी छोटे रहते हैं तो जैसे जैसे ये बड़े होते हैं तो इनका हमेशा सामना फड़गना के ट्राइब से होता रहता है जिसमें ये कभी हारते हैं कभी जीतते हैं तो इस तरह से बाबर चाहता था कि कोई ऐसा जगह हो जहाँ इन्हें एक परमानेंट एम्पायर ये अपना बना सके और ये ऐसे किसी नए लैंड की तरफ नए एरिया की तरफ देख रहे थे एट दिस टाइम राना सांगा द रूलर ऑफ मेवाड़ एंड दौलत खान लोदी और इसी समय बाबर को एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उस समय मेवाड़ के राजा राणा सांगा और दौलत खान लोदी जो कि पंजाब के गवर्नर रहते हैं वो बाबर को इंडिया इनवाइट करते हैं इनवाइटेड बाबर टू आउट्स इब्राहिम लोदी फ्रॉम द टॉर्न ऑफ दिल्ली दिल्ली सल्तनत में जो लास्ट डायनेस्टी रहती है आपने पढ़ा होगा आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन लोधी डायनेस्टी जिसमें लास्ट रूलर इब्राहिम लोधी जो कि बैटल ऑफ पानीपत में बाबर से लड़ते हुए युद्ध के मैदान में मारे जाते हैं तो बाबर को किसने इनवाइट किया था इब्राहिम लोधी को इंडिया से भगाने या फिर इब्राहिम लोधी को हराने के लिए तो बाबर को मेवाड़ के रूलर राणा सांगा और दौलत खान लोधी जो कि पंजाब के गवर्नर थे उन लोगों ने बाबर को इनवाइट किया कि बाबर यहाँ आए और इब्राहिम लोधी को हरा दे और फिर वापस से ये लोग यानि कि चाहे वो दौलत खान लोधी हो या फिर मेवाड़ के राजा राणा सांगा हो वो दली पे अधिकार कर सके उन लोगों को लगा था कि जब बाबर आएंगे यहाँ युद्ध जीतेंगे उसके बाद वा बाबर वापस चले जाएंगे लेकिन ऐसा होता नहीं है यहाँ बाबर आते भी हैं बैटल ऑफ पानीपत होता है 16 अप्रैल फोट फिफ्टीन में बाबर इब्राहिम लोदी को हरा भी देते हैं लेकिन बाबर यहाँ से जाते नहीं हैं बल्कि बाबर यहाँ पर मुगल सल्तन न, मुगल एम्पायर की नींव डालते हैं इब्राहिम लोदीज ह्यूज बट इल डिसिप्लिन आर्मी मेट बाबर्स स्मॉल बट वेल ट्रेन आर्मी युद्ध के मैदान में यानी कि पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी के इल डिसिप्लिन आर्मी का सामना किससे होता है बाबर के छोटे लेकिन वेल ट्रेन आर्मी से होता है इब्राहिम्स आर्मी वॉज डिफिटेड एट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत और पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी की सेना हार जाती है इब्राहिम लोदी भी वहीं मारे जाते हैं आफ्टर कैप्चरिंग दैली और इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दहली साम्राज्य पे बाबर की पहुंच हो जाती है बाबर उसको कैप्चर कर लेता है बाबर हैड टू डील विद द टू पावरफुल एनिमीज लेकिन अभी भी बाबर के सामने दो बहुत ही बड़े शत्रु इनके सामने रहते कौन कौन राणा सांगा जो कि किंग ऑफ मेवाड़ थे जिन्होंने बाबर को इनवाइट किया था तो अब राणा सांगा इनके दुश्मन बन जाते हैं क्योंकि राणा सांगा को लगता है कि बाबर तो यहाँ लड़ाई करेंगे उसके बाद बाबर यहाँ से चले जाएंगे लेकिन ऐसा होता नहीं है तो राणा सांगा अब इनके सामने एक बहुत ही बड़े चैलेंज थे इसके अलावा एंड द अफगान चीफ ऑफ बंगाल बंगाल के चीफ जो कि अफगानी थे तो वो भी बाबर के सामने बहुत बड़े चैलेंज थे नुसरत साउंड का नाम था ही इन्फ्लिक्टेड अक्र सिंह डिफिट ऑन द राजपूत एट द बैटल ऑफ़ खानवा इन 1527. 1527 में बैटल ऑफ खानवा होता है राना सांगा और बाबर के बीच जिसमें बाबर बुरी तरीके से उनकी सेना को कुचल देते हैं और युद्ध जीत लेते हैं तो खानवा का युद्ध भी बाबर जीत लेते हैं देर आफ्टर बाबर डिफिटेड द अफ़गान इन द बैटल ऑफ़ घाघरा इन 1528। उसके बाद बाबर अफग़ान के जो चीफ़ हैं उसको भी ये बैटल ऑफ घाघरा में 1528 में हरा देते हैं दस ही क्विकली इस्टेब्लिश्ड हिज पावर फ्रॉम दैली टू आगरा टू बिहार और इस तरह से बाबर अपने पावर को दिल्ली से आगरा और फिर बिहार तक स्टैब्लिश कर देते हैं और काफ़ी पावरफुल बन जाते हैं क्योंकि इनके सामने जो दो चैलेंज थे वो तो अब खत्म हो गए बाबर लेट द फाउंडेशन ऑफ द वास्ट एंड पावरफुल मुगल एम्पायर इसके बाद बाबर वास्ट एंड पावरफुल मुग़ल साम्राज्य की स्थापना इंडिया में करते हैं एंड डेवलप टेक्निक्स ऑफ वारफेयर ऑफ वारफेयर इसके अलावा ये युद्ध की नई नई तकनीक की भी आ, युद्ध की नई नई तकनीक भी ये अपनाते हैं इन 1530, he ही ill इल एंड away। अवे में ये काफी बीमार पड़ जाते हैं और घाघरा का युद्ध इनके लिए लास्ट बैटल बन जाता है इस युद्ध के बाद ये बीमार पड़ जाते हैं और फिर इनकी मृत्यु हो जाती है एट द एज ऑफ ओनली 48 एट मात्र 48 एट ईयर्स की एज में इनकी मृत्यु हो जाती है द इल्डेस्ट हुमायूं द इल्डेस्ट अमंग बाबर्स फोर सन्स वॉज प्रोक्लेम्ड हिज सक्सेसर और इनकी मृत्यु के बाद हुमायूं जो कि इनका सबसे बड़ा बेटा होता है वो इनका सक्सेसर यानी कि उत्तराधिकारी बन जाता है तो स्टूडेंट आई होप ये बाबर की कहानी एंड मुगल एम्पायर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल रीड अबाउट हुमायूं आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टूडेज क्लास वेरी वेल टिल देन बाय बाय